नमस्कार दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह उपाय पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है और यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम आती है, तो यह उपाय जरूर कर लीजिएगा और जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े, जब भी आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं क्या है यह उपाय। आपको इसके लिए 31 चावल के दाने ले लें, 31 मूंग के दाने ले लें और 31 बेलपत्र ले लें। तीनों चीजें बिना टूटी फूटी कटी फिटी होने चाहिए, यानी सेगे चावल होने चाहिए, सेगे मूंग होने चाहिए, खड़े मूंग और 31 बेलपत्र। बिना बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और उसमें डंडी हो तो डंडी में गांठ नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, 31 जो हमने चावल के दाने लिए हैं, उन्हें आपको अपनी मन की कामना करके शिव मंदिर में शिव मंदिर की दहलीज पर रख देने हैं। और जो 31 मूंग लिए हैं, उन मूंगों को आपको नंदी के जो पैर ऊंचा रहता है उस पैर के पास रख देने हैं। इसके बाद जो 31 बेलपत्र लिए हैं, उन्हें आपको शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है। उन बेलपत्रियों पर आप पीला और लाल चंदन लगा लें, उस पर आपको अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि जलाधारी होती है जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है, वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। आपके मन की जो भी कामना है बोलते हुए आप उन बेलपत्रियों को समर्पित करें। आपके जो भी कार्य छूट गए हैं, आपके नहीं हो पा रहे हैं, आपकी मन की जो भी कामना है, जिस भी कार्य के लिए आप परेशान चल रहे हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए आप सोमवार की अष्टमी को यह उपाय अवश्य करें। आपकी मन की कामना को बोलते हुए इस उपाय को करना है। सुबह के समय यह उपाय करें या फिर प्रदोष काल के समय करें, आप सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर कर लें। और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।